बीजेपी सरकार शिलान्यास और भूमि पूजन में अलग अलग काम कर रही है। लोगों को गुमराह करने का काम बीजेपी सरकार द्वारा नित किया जा रहा है, ये आरोप पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने लगाए हैं। बंबर ठाकुर ने कहा कि लोगों को गुमराह करना भाजपा छोड़ दे, जहां पर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिलान्यास कर चुके थे, उस स्थान पर फिर से भूमि पूजन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर जगत प्रकाश नड्डा ने पहले शिलान्यास किया था, लेकिन उसके निर्माण के लिए एक भी पैसा नहीं दिया, और अब चुनाव नजदीक आते ही उसी स्थान पर भूमि पूजन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है, और यदि वे गुमराह करना नहीं छोड़ेगी तो पार्टी धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम भी कर सकती है। करने के लिए हमने आज यहाँ पे अपना धरना रखा है, और ये धरने तब तक जारी रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, MLA और सांसद शिलान्यासों के ऊपर शिलान्यास बंद नहीं करेंगे। तब तक कांग्रेस पार्टी चैन की नींद नहीं सोएगी। जहाँ जहाँ ये लोग कांग्रेस के द्वारा किए हुए कामों का भी शिलान्यास के ऊपर शिलान्यास करेंगे, जैसे सिंथेटिक ट्रैक का 80% काम पूरा हो गया था, वहाँ पर रबड़ का पूजन कर दिया, ऐसा जहाँ जहाँ ये करेंगे हमारे किए कामों के ऊपर शिलान्यास के ऊपर भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, इनका वहाँ वहाँ जा करके विरोध किया जाए। इसके लिए उन्हें उसका शिलान्यास करने के लिए, उन्हें उसका भूमि पूजन करने के लिए अनुराग ठाकुर और सुभाष ठाकुर यहाँ पे आ रहे हैं, जिसको लेकर के हमने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है कि आप काम करिए, जुमलेबाजी बंद करिए, झूठ की राजनीति बंद करिए, फ्रेब की राजनीति बंद करिए। और JP नड्डा ने कोई पैसा इस जंज घर के निर्माण के लिए नहीं दिया, वन मंत्री होते हुए इसकी NOC नहीं दे पाए, उसी जगह पे एक और शिलान्यास करने का जो इन्होंने आज एक फ्रेम किया है, जो झूठ की राजनीति की है। सांसद अनुराग ठाकुर और MLA सुभाष ठाकुर शिलान्यासों के ऊपर शिलान्यास कर रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व इसी जगह पे कंदरा नामक स्थान पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक जंज घर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। उसके लिए 10 सालों में कोई फूटी कौड़ी नहीं आई। नड्डा जी प्रदेश की राजनीति को छोड़ के दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए, लेकिन एक फूटी कौड़ी उन्होंने इस जंज घर के निर्माण के लिए नहीं दी। वहीं बंबर ठाकुर के धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस की तैनाती भी की गई थी। एस टुडे के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।